हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाय द वे आज दिनांक है 5 अप्रैल और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिलता है तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, सुबह सुबह का वक्त है और मैं आया था गुलेल लेके बंदरों को भगाने के लिए। तो फिलहाल बंदर तो चले गए हैं काफ़ी नीचे और उस साइड को तो नहीं है। फिलहाल मेरा बंदर भगाने का काम हो गया है, बाकी अभी मैं जा रहा हूँ खेत में प्याज में पानी डालने के लिए। तो जो मेरा पिछला ब्लॉग था ना, जहाँ हम गए हुए थे कल्लू के ननिहाल होकरा, तो वो वाला ब्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा हो गया था, तो उसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला तो आप लोग देख चुके हैं, तो जो बचा हुआ पार्ट था, तो चलिए पहले आप वो वाली वीडियो क्लिप इंजॉय कीजिए। रोलर लाइन ना रोड में बिछा दी, बैक की डी ना हो तगड़ा पड़े दिन में के वीडियो। तो फिलहाल हमारा पूरी पकाने का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी जहाँ पे मंदिर है ना, उसी के बगल में है होकरा का इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल है ये? हाँ, तो यहीं पे है होकरा का इंटर कॉलेज, ये वाली बिल्डिंग जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। बाकी जो यहाँ से आगे का व्यू दिखाई दे रहा है ना, वो भी बढ़िया ही दिख रहा है। थोड़े बहुत घर यहाँ को है और वो सामने दिखाई दे रहा है जिरथी। सोनू तेरा घर कौन सा वाला है भाई, बताना ज़रा। ये वाला इधर है या ऊपर? ऊपर। खींचने प्लीज। भूख कदी लग रहा? खाते रही है। खाना है? भूख ले लग गया है? ना लग रही। और क्या खाना है? भूख जो नहीं लग रही, खा लेते। तो मंदिर में जितना हमारा काम होता था, यानी कि हमसे काम होता था, वो हमने कर लिया है। अपना थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो कल्ले कह रहा है कि कुछ खा के आते हैं। तो आगे दुकान तक जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हमें खाने को मिलता है। बाकी ऐसा कुछ दिखाई देता है इस साइड से होकरा गाँव, ये देखिए। फिलहाल जहाँ पे हम अभी है ना, इस जगह को कहते हैं देवथल। और सुबह ठंडा हो रहा था, अब हल्की फुल्की सी गर्मी का एहसास होने लग गया है। सेव खा के ना थोड़ी सी राहत तो मिल गई। नमस्ते, बाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो मंदिर में खाना बन चुका है, अब सबसे पहले करते हैं मुँह पटियाल, यानी कि पूरी और भुटवा। बहुत बढ़िया देवुला, बहुत बढ़िया यार। मुख पे चोट लग रहा है। कौन है? हेलो, हेलो, कौन है? तो खाने की तैयारी हो गई है, सभी लोग बैठ गए हैं।
हम भी आए हैं दिल्ली से। ये भी आए हैं दिल्ली से चाचा, दिल्ली से चाचा आए निमंत्रण के लिए स्पेशली दिल्ली से। दीदी बाबा तरी हुई ना दाल तरी दाल दिया तरी आ जा क्या मैं जहाँ पर तरी नहीं आएगा तो फिर टुकड़ा भी लेके आऊंगा। टुकड़ा नहीं चाहिए गाइस, मेरे को पीस चाहिए। वाह गुड यार, मटन का पीस कौन रखो जो कौन फर्स्ट क्लास होना है बबू कौन है। बहुत ही मस्त हो रही है। तेज क्यों खाई पे आपको जी खा ले बिल्कुल गाइस बढ़िया गाइस। हो डार भाई क्या आ गए सब है ठीक हो ठीक हो। बाकी यहाँ को देखिए सामने पड़ता है जेठी और उस साइड को बढ़िया धूप आई हुई है, आसमान भी बढ़िया लग रहा है, बादल और थोड़ा थोड़ा नीला आसमान। हाँ वो उड़ाए थे हमें आलो अच्छा मजाक होना चाहिए उखाड़ पता उखाड़ ठीक है सर ठीक है। बाप रे जब उखड़ेगा तब का बनाना का है करते हैं नजा दी प्रधान वाह पहली फेर लाइफ में काम करना प्रधान आज ब्लॉक नंबर 201 में मैं हूंगा बटन मास्टर में। को पता ना तुई पहाड़ी बिम्बार से बढ़िया करके बर्तन धोए जा रहे, यानी कि राख मिट्टी और घास की पत्तियां जिसको कहते हैं जुलुक, जाड़ा जुलुक है ना। तो खाना पीना हमारा हो गया है, बाकी बर्तन भी धुल गए हैं और फिलहाल मौसम ठीक है। थोड़ी देर पहले तो ना ऊपर साइड को बहुत तेज बारिश आ रही थी, हमें तो लगा था अगर वो बारिश यहाँ पहुँचती ना तो रोड इतनी ख़राब है ना, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ वाला और वो भी सफ़ेद मिट्टी वाला, तो उसमें टायर ऐसे फिसल रहे थे क्या ही बताऊँ मतलब। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ बारिश तो आई नहीं, अभी देखो बढ़िया सी धूप आई हुई है। तो पूजा बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई है और मौसम ने भी बढ़िया साथ दिया है ना, मौसम भी बढ़िया रहा आज। तो आप जाने लग गए हैं घर की ओर, सभी भाई लोग आ रहे हैं और चाचा तो आज यहीं रुकेंगे क्यों चाचा यहाँ है ना। चलो फिर सर जी इटो कक जो चलो तो यहाँ को देखिए गेहूं और जौ की खेती बहुत अच्छी हो रही है। तो फिलहाल हम लोग रोड में पहुंचने वाले हैं, बाकी आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद वंदे मातरम।